शासन के निर्देशानुसार जनपद में बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त फसलें हेतु कृषि निवेश अनुदान मद में प्रभावित 60,166 कृषकों के सापेक्ष 17,45,35,332 रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस और आपदा के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष तहसीलों को धन का आवंटन कर दिया गया है, जिसमें कुल 325 गाँवों के बाढ़ प्रभावित 70,446 किसानों को पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जिसमें से अब तक 9,735 कृषकों को कुल 2,54,10,296 रुपए का भुगतान ई कुबेर कोषागार के माध्यम से कृषकों के खातों में भेज दिया गया है। शेष कृषकों के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और दीपावली के पूर्व बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए किसानों के फसलों का मुआवजा उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस हूँ, आपदा का प्रभारी हूँ। हमारे जनपद में अभी जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो फसल क्षति हुई है उसमें 70,446 कृषकों का डाटा ऑनलाइन हो गया है और अभी हम लोगों ने 9,735 कृषकों के खाते में 2,54,10,296 रुपये का स्थानांतरण कर दिया है, उनके खाते में पहुंच रहा होगा। ये 9,735 कृषक हैं जिनके खाते में अभी अगले घंटे में पैसा पहुंच जाएगा और रात तक लगभग हम लोग 30,000 लोगों के खाते में पैसा पहुंचा देंगे और कल और परसों में जो शेष हमारे 70,000 कृषक हैं, हमारे 325 गाँव के कृषक हैं जिन गाँवों में बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण फसल क्षति का नुकसान हुआ है, दीपावली के पहले पहले राज्य सरकार के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि सभी के खाते में पैसा पहुंच जाए जिससे जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है कम से कम उनको उचित मुआवजा मिल जाए। धन्यवाद।